11th क्लास में हम लोग कॉनिक सेक्शन पढ़ रहे हैं, और कॉनिक सेक्शन में भी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है पैराबोला। पैराबोला में हम लोगों ने पिछले वीडियो में नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म के पैराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था। उसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला 4y² + 12x - 12y + 39 = 0। फाइंड द वर्टेक्स, वर्टेक्स को हिंदी में शीर्ष कहते हैं, फोकस को हिंदी में नाभि कहा जाता है, डायरेक्ट्रिक्स नियता का समीकरण, और लेटस रेक्टम नाभिलंब जीवा की लंबाई। हमें एक परवलय दिया हुआ है 4y² + 12x - 12y + 39 = 0, और इस परवलय के हमें शीर्ष, नाभि, नियता और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, यह हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, मानक रूप का परवलय नहीं है ये। इसे हमें सबसे पहले मानक रूप में परिवर्तित करना है। मानक रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन में द गिवन पैराबोला, दिया गया परवल है, हमें जो पैराबोला गिवन है वो कौन सा है, हमें जो पैराबोला दिया हुआ है वो है 4y² + 12x - 12y + 39 = 0। जैसा कि हमने बात किया था कि चार स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं पैराबोला के, परवलय के चार मानक रूप होते हैं। हमें सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्क्वायर किस पर है। स्क्वायर वाई पर है। अगर वाई पर स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर के रूप में हमारे पास जो पैराबोला होता है ये y² = 4ax होता है, और सेकेंड y² = -4ax होता है। यही दो टाइप के हमारे स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं जिनमें वाई स्क्वायर में रहता है। सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए आप देख लीजिए कि स्क्वायर किस पर है। जिस पर भी स्क्वायर रहे उसके सारे पदों को आप लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, बाकी सबको आप पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। स्क्वायर वाले टर्म, स्क्वायर जिस पर भी है उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उनको हम LHS में रखेंगे और बाकी सभी टर्म्स को हम RHS में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ से ये हमारा 4y² - 12y, ये दोनों हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा, और इज इक्वल टू के बाद ये 12x जब उधर जाएगा तो ये हमारा -12x और -39 हो जाएगा। एक चीज़ और मैंने आपको कल बताया था कि हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें कि x और y, मतलब y स्क्वायर जो है, स्क्वायर जिस पर रहेगा उसका कोफिशियंट 1 होना चाहिए, स्क्वायर जिस पर भी रहेगा उसका गुणांक 1 होना चाहिए। यहाँ पर स्क्वायर हमारा y पर है तो y स्क्वायर का कोफिशियंट, y स्क्वायर का गुणांक हमारे पास 4 है। हम इस पूरे में से सबसे पहले 4 को कॉमन ले लेते हैं। 4 को कॉमन लेते ही हमारे पास बचेगा y² - 3y। हमने दोनों में से जैसे ही 4 को कॉमन लिया, 4 को कॉमन लेते ही हमारा ये आ गया, और इज इक्वल टू में अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दीजिए 12x - 39। इसके बाद यहाँ पर हमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको होल स्क्वायर में चेंज करना है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमें इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। कल हम लोगों ने देखा था कि हम किस तरह से इस टाइप के इक्वेशन को होल स्क्वायर में चेंज करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर जो है आपका वाई पर है, तो ये y² - 3y है। वाई का कोफिशियंट देखिए क्या है, y का गुणांक क्या है, 3 है। प्लस या माइनस पे मत जाइएगा, साइन से हमको मतलब नहीं है, हमें y के कोफिशियंट से मतलब है। y का सिर्फ हमको गुणांक चाहिए। यहाँ पर y का कोफिशियंट जो है वो 3 है। इसमें हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो आएगा, ये आएगा 3/2। तो
ये जो हमारा 3/2 आ रहा है इसका होल स्क्वायर हमें दोनों साइड में ऐड कर देना है। क्या बात हो रही है? बात हो रही है 3/2 का होल स्क्वायर दोनों साइड में ऐड करने की बात हो रही है। अच्छा, तो यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ आप और समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर जो हम 3/2 का होल स्क्वायर दोनों साइड में ऐड करने वाले हैं, तो दरअसल हमें 3/2 का होल स्क्वायर तो इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ प्लस करना है, लेकिन बाहर में क्या है? बाहर में यहाँ पर पहले से 4 है। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि बाहर का 4 जो है अंदर जब मल्टीप्लाई हो तब भी वो 3/2 का होल स्क्वायर ही रहे। तो ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पर क्या ऐड करना होगा? यहाँ पर हमें 9/4 यहाँ ऐड कर देते हैं, 3/2 का होल स्क्वायर। अब सोचिएगा, मैं इसको रफ में दिखा रहा हूँ। 4 हमारे पास पहले से वाई स्क्वायर माइनस का 3y है। हम बात कर रहे हैं ऐड करने की प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। 3/2 का होल स्क्वायर इधर तो ऐड कर देंगे, लेकिन इस साइड में 3/2 का ही होल स्क्वायर ऐड होगा क्या? नहीं। इस साइड में क्या ऐड होगा? आप समझिए, 3/2 का होल स्क्वायर जो है यहाँ पर ऐड किया गया ताकि इसको होल स्क्वायर में बनाया जा सके। अब जरा इस ब्रैकेट को ओपन करके सोचिए, ये 4 का जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4y स्क्वायर आएगा, ये 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12y आएगा, इस 4 का जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 मल्टीप्लाइड बाई ये जो है वह इस स्क्वायर को लेकर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9/4। ये 4 और ये 4 जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास 4y स्क्वायर माइनस का 12y प्लस का 9 बच रहा है। यानी कायदे से अगर देखा जाए, हमारे पास 4y स्क्वायर माइनस का 12y, 4y स्क्वायर माइनस का 12y ये तो हमारे पास यहीं पर था। हमने इसमें अलग से क्या जोड़ा है? अलग से हमने सिर्फ 9 जोड़ा है, अलग से हमने सिर्फ 9 जोड़ा। तो कायदे से इधर भी हमें केवल 9 ही जोड़ना है। यहाँ पर आप इस पर मत जाइएगा कि हम 3/2 का होल स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। 3/2 का होल स्क्वायर हमने इस ब्रैकेट के अंदर ऐड किया है। इस 4 के साथ जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस 4 के साथ जब इसको सॉल्व किया गया तो सॉल्व करके हमारा 9 आ रहा है। तो दोनों साइड में हम क्या ऐड करने वाले हैं? दोनों साइड में हम 9 ऐड करने वाले हैं। लेकिन लिखने के लिए RHS में तो हम 9 साफ साफ लिख सकते हैं, लेकिन LHS में हम 9 नहीं लिख सकते। LHS में हमें लिखना है 3/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया पहला मेथड आपको समझाने का। दूसरा मेथड समझाने का समझिए, आप सोचिए 4y स्क्वायर माइनस का 12y जो था ये हमारे पास यहाँ पर पहले से लिखा है। हमने दोनों साइड में क्या ऐड करना था? 9 ऐड करना था। अब अगर मैं पूरे में से 4 को कॉमन निकालूं, क्योंकि 4 तो मुझे ऐसे भी कॉमन ही निकालना है क्योंकि y स्क्वायर का कोफिशियंट 1 बनाना है, तो अगर मैं यहाँ से 4 को कॉमन लेता हूँ तो ये बचेगा मेरा y स्क्वायर माइनस का 12y प्लस 9/4 आएगा। आप चाहें इस 4 को वापस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका यही लाइन आ जाएगा। और ये जो 9/4 है, इस 9/4 को हम 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बात वही है, चाहे तो आप डायरेक्ट 9 लिखकर पूरे में से 4 कॉमन ले लीजिए या 3/2 का होल स्क्वायर अंदर लिखिए, लेकिन सॉल्व करने के लिए इस 4 से इसको मल्टीप्लाई करके जरूर देख लीजिएगा कि क्या बच रहा है। RHS में यही वाला चीज़ ऐड करेंगे। तो हमें दोनों साइड में, यहाँ पर तो मैं ब्रैकेट के अंदर ऐड कर देता हूँ लेकिन यहाँ तो मुझे बाहर में ऐड करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ लिखने वाला हूँ 4y स्क्वायर माइनस का 3y और प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और इधर में माइनस का 12x माइनस का 39 और प्लस का 9।
हमने 9 ही तो बस अलग से ऐड किया, हमारे पास 4y² - 12y तो यहाँ पहले से ही था, अलग से जो ऐड किया गया वो 9 ऐड किया गया, इसलिए इधर भी हमने 9 ऐड किया। अब वापस आप यहाँ समझिए, इस ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, इस ब्रैकेट के अंदर आपको दो जगह स्क्वायर दिखेगा, ब्रैकेट के अंदर आपको दो जगह स्क्वायर दिख रहा है, तो ये ए है और ये आपका बी है, बीच का साइन देखिए आपका माइनस है, बीच का साइन अगर माइनस है तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये हमारा 4 जो है एज इट इज, यहाँ पर हम लिखेंगे वाई माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये हमारा ए है ए स्क्वायर, और ये हमारा बी है बी स्क्वायर, और ये हमारा जो माइनस का साइन था इसलिए यहाँ माइनस लगा, यहाँ अगर प्लस का साइन रहता तो यहाँ पर हम प्लस लिखते। तब तक इधर माइनस का 12x माइनस 39 और प्लस 9 जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 30। अब यहाँ पर हमेशा आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि दोनों साइड LHS और RHS दोनों में x और y दोनों का कोफिशियंट 1 होना चाहिए, x और y दोनों का गुणांक 1 होना चाहिए। यहाँ पर y का कोफिशियंट तो 1 हो गया लेकिन x का कोफिशियंट 1 नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों टर्म्स माइनस में हैं तो माइनस के साथ कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 पहले से है, y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हमारे पास पहले से है, यहाँ से हम माइनस का 12 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 12 कॉमन लेने पर हमारे पास बचेगा x प्लस, अब आप सोचेंगे 12 के टेबल में तो 30 आता ही नहीं है, तब करना कुछ नहीं है, जिसको भी आपने कॉमन निकाला है उसको यहाँ डिवाइड कर दीजिए, यानी आपको 30 में से 12 कॉमन निकालना था तो 30 के अपॉन में 12 डाल दीजिए। अब सोचिए जिस 12 को आपने बाहर निकाला है, इस 12 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का 12 और ये 12 कैंसिल होगा, केवल आपका 30 एज इट इज बचा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 5 जा और 6 2 जा, यानी ये सॉल्व होकर और कुछ नहीं 5/2 है। चेक जरूर कर लीजिएगा, चेक कैसे करेंगे, माइनस 12 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 12 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 12x, और माइनस 12 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो ये माइनस और प्लस मिलकर माइनस बन जाएगा, ये 2 से ये 12 6 टाइम्स में कटेगा, 6 5 जा हमारा 30 आ जाएगा। अब इस पूरे ब्रैकेट के सामने में ये 4 है और इस पूरे ब्रैकेट के सामने में माइनस 12 है, तो ये 4 को जब हम इधर भेजेंगे तो ये 4 जो है यहाँ डिवाइड में आएगा, और ये 4 जब डिवाइड में आएगा तो इस 12 से कटेगा, तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली क्या बच रहा है, यहाँ पर हमारे पास बच रहा है y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 जो है इधर जाके डिवाइड में गया, डिवाइड में से उसने 12 को काटा, माइनस 3x प्लस 5/2, ये हमारा इसका आ गया। ये जो है अब इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए बहुत ही आराम से आप ध्यान से समझिए, ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है चूँकि y के टर्म्स में है, आप इसको कैपिटल y लेट कर लीजिए और इस पूरे ब्रैकेट को आप कैपिटल x लेट कर लीजिए, लेट हिंदी में माना, ये जो y माइनस 3/2 है, y माइनस 3/2 को हम कैपिटल y मान लेते हैं और x प्लस 5/2 को, x प्लस 5/2 को हम कैपिटल x मान लेते हैं, ठीक।
ऐसा मानने से क्या होगा, इसकी जगह पर हमारा कैपिटल वाई आ जाएगा और इसकी जगह पर हमारा कैपिटल एक्स आ जाएगा, तब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स बनते ही अब ध्यान से देखिए कि ये आपका कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला का, ये आपका कौन सा फॉर्म है स्टैंडर्ड पैराबोला का, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स का। यहाँ पर जो सामने में माइनस है इसलिए हमें पता चला कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स का है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स से जब हम इसको कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स विथ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स वी गेट, हम तुलना करके मान किसका निकालते हैं, कंपेयर करके हम किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, कंपेयर करके हम यहां से 4a की वैल्यू निकालेंगे। यहां पर देखिए y का स्क्वायर है वो y का स्क्वायर है, यहां x है वहां x है, माइनस का साइन, मतलब 4a की जगह पर हमारे पास 3 है, तो वी गेट 4a इज इक्वल टू 3, दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू 3 बाई 4, हमें a की वैल्यू मिल गई। हिंदी में इस वाले लाइन को हिंदी में कैसे लिखेंगे, इस वाले लाइन को हिंदी में लिखा जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स की तुलना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स से करने पर, क्या बोला मैंने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स की तुलना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स से करने पर 4a इज इक्वल टू 3, यहां से a की वैल्यू आपको मिल गई। एक बार अगर आपको a की वैल्यू मिल जाए तो a की वैल्यू मिल जाने के बाद आपके क्वेश्चन में जिस जिस चीज़ को बोला गया है बारी बारी से उस चीज़ को वहाँ पर निकालते जाइए। मेन रहता है आपका a का वैल्यू आपका मेन है। अब आइए हम सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, वर्टेक्स। सबसे पहले में शीर्ष निकालने वाले हैं। आप ध्यान दीजिए, आपने जब ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म देखा तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स जो होता है वो आपका होता है 0 0। वर्टेक्स अगर आपका 0 0 है तो ध्यान से सोचिए कि ये 0 0 किसकी जगह लिखा है, ये एक्स की जगह है और ये वाई की जगह, ये एक्स की जगह और ये वाई की जगह। कौन सा एक्स और कौन सा वाई, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, क्योंकि आपने जो अपना इक्वेशन चेंज किया है वो इक्वेशन आपने कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स के रूप में रखा है। ये जो है आपका कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, उसमें ये एक्स का वैल्यू है और ये वाई का है, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो लिखा है वो एक्स की वैल्यू है और यहाँ पर जो लिखा है वो वाई की वैल्यू है। कौन सा एक्स वाई, कैपिटल एक्स वाई। क्यों कैपिटल, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म आपका कैपिटल वाले में आया है। स्मॉल जब तक था, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई जब था तब आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था, स्टैंडर्ड फॉर्म आपका कैपिटल में बना है, तो ये सब जितनी वैल्यू होगी सारी की सारी वैल्यू कैपिटल वाले की होगी। अब इस कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का वैल्यू आप यहाँ से पुट करते चले जाइए, आपका आंसर एक्स और वाई में आता चला जाएगा। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका ओरिजिनल क्वेश्चन में जो एक्स और वाई यूज हुआ है वो स्मॉल वाला है, तो फाइनल आंसर जब भी आएगा वो स्मॉल वाले एक्स और वाई का आना चाहिए। ये एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे, ये एक्स की जगह पर हम रखेंगे एक्स प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर हिंदी में और लिख लेंगे। वाई की जगह पर क्या लिखना है, वाई की जगह पर हमें लिखना है वाई माइनस 3/2 इज इक्वल टू में, ये जीरो हमारा ऐसे ही है। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालिए तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकलेगी माइनस 5/2 एंड यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 3/2।
वर्टेक्स जो होता है ये हमेशा इस तरह से कोऑर्डिनेट में लिखा जाता है, तो हम भी अब इसको कोऑर्डिनेट में लिखेंगे। कोऑर्डिनेट में पहले x का वैल्यू, बाद में y का वैल्यू। चूँकि शीर्ष जो लिखा जाता है वो हमेशा इस तरह से निर्देशांक के रूप में लिखा जाता है, तो हम भी इसे निर्देशांक के रूप में जब लिखेंगे तब द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज, वर्टेक्स में पहले x का वैल्यू, तो x का वैल्यू आपका -5/2 आया है, कॉमा y का वैल्यू आपका 3/2 आया है। अतः परवलय का शीर्ष -5/2 कॉमा 3/2 है। ये हिंदी का लैंग्वेज है। ये तो हमने निकाल लिया इसका वर्टेक्स। अब बात करते हैं सेकंड नंबर में फोकस की। y² = -4ax में जो फोकस होता है, जो नाभि होता है, वो होता है हमारा -a₀। अब ध्यान से देखिए, इस तरह से ब्रैकेट में जब भी कोई चीज़ लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, ब्रैकेट में जब भी कोई चीज़ लिखा जाता है उसे हम कोऑर्डिनेट निर्देशांक कहते हैं, और उसमें पहले वाला हिस्सा x का है और ये वाला हिस्सा वाई का है। अब यहां पर जरा ध्यान से सोचिए, कौन सा x और कौन सा y। तो आपको जवाब मिलेगा कैपिटल x और कैपिटल y। क्यों कैपिटल x और कैपिटल y? क्योंकि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कैपिटल x और कैपिटल y के रूप में आया है। तो यहां पर ये वाला हिस्सा हमारा x का वैल्यू है, कैपिटल x इज इक्वल टू -a एंड कैपिटल y इज इक्वल टू 0। अब इस कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का वैल्यू रख दीजिए। कैपिटल एक्स की जगह पर क्या रखने वाले हैं, एक्स प्लस 5/2 इज इक्वल टू माइनस का साइन देखिए पहले से है, ए की वैल्यू हमारी ये रही 3/4। वाई की जगह पर हम क्या रखने वाले हैं, वाई माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए, ये प्लस का 5/2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5/2 -3/4 एंड ये तो बहुत ही सिंपल है, सीधे इसको उधर भेज दीजिए, तो y इज इक्वल टू 3/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम भी ले सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा कि ये 4 बन जाएगा, 4 बनते हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम होते ही आराम से मैं ऊपर में सॉल्व कर सकता हूँ। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस का 10 और -3 -13 यानी x इज इक्वल टू आ गया -13/4 एंड y इज इक्वल टू 3/2। मेरा x और y का जब वैल्यू आ गया, ये x और y के वैल्यू को वापस ऐसे ही रख देना है, हमेशा पहले x को रखेंगे बाद में y को रखेंगे, तो लिखेंगे फोकस ऑफ गिवन पैराबोला इज, फोकस में पहले x का वैल्यू तो ये हमारा -13/4 कॉमा y की वैल्यू 3/2, ये मेरा निकल गया फोकस, ये मेरा निकल गया दिए गए परवलय का नाभि, दिए गए परवलय का नाभि -13/4, 3/2 है। ये हमने निकाल लिया इसका फोकस। अब बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स की। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। थर्ड हमने निकालना है, थर्ड में हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स की। डायरेक्ट्रिक्स में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है,
नेता का समीकरण होता है, हमारा जो इक्वेशन था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स में जो डायरेक्ट्रिक्स होता है उसका इक्वेशन होता है एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ मैंने स्मॉल क्यों लिखा, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले में अगर पुराने फॉर्मूले में एक्स लिखा हुआ है तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म तो कैपिटल एक्स का है, तो इस एक्स की जगह पर हम कैपिटल एक्स लिखने वाले हैं और ए की जगह पर 3/4। एक्स का वैल्यू हम कहाँ से लेकर आएंगे, एक्स की वैल्यू हमारी वो रही, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई एक्स प्लस 5/2 इज इक्वल टू 3/4। सॉल्व करना है इसको उधर भेज दीजिए, एक्स इज इक्वल टू ये 3/4 हमारा एज इट इज, ये जब उधर जाएगा तो माइनस का 5/2, ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे 4 हो गया, ऊपर हो गया 10, 3 में से 10 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका -7/4। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू -7/4, एक्स इज इक्वल टू -7/4 जो है और कुछ नहीं, इसके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, इसके नियता का समीकरण है। यहाँ लैंग्वेज लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज एक्स इज इक्वल टू -7/4। अतः नियता का समीकरण एक्स इज इक्वल टू -7/4 है। ये बात हो गई डायरेक्ट्रिक्स की, नियता की। अब हम बात करेंगे लैटिस रेक्टम की। पैराबोला में लैटिस रेक्टम जो होता है, नाभि लंब जीवा की लंबाई जो होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ नंबर में हम लैटिस रेक्टम की बात कर रहे हैं। लैटिस रेक्टम नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होता है, 4a होता है। देखिए इसमें कोई, ये चूंकि फॉर्मूला है ना 4a, और इसमें कोई x और y का चक्कर नहीं रहता, आपको सिंपली बस करना क्या है, a की वैल्यू पुट कर देनी है। a की वैल्यू आपकी क्या है 3/4, 4 × 3/4, 4 कैंसिल, आपका फाइनल आंसर 3। तो लैटिस रेक्टम कितना निकल गया, 3। हेंस लैटिस रेक्टम ऑफ गिवन पैराबोला इज 3। अतः दिए गए परवलय के नाभिलंब जीवा की लंबाई 3 है। इस तरह से हमने नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया और फिर उसके बाद उसे सॉल्व किया।